तो रोड बनाने के लिए बोलो ना, जाती हूँ तो बोलते हैं रोड बनाने के बाद में यही बोलते हैं। महानगर पालिका या जनप्रतिनिधि का कहना है कि डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, तो विकास किसके घर में पैदा हुआ हमको दिखाए। दो साल मेरे नल को हो गया, आज तक पानी नसीब नहीं हुआ। मैंने खुद के खोद के पूरा वहाँ से नल वहाँ तक लेके गई। पाइप अगर तुमने बिछाए थे, पाइप उठा दिया गया, क्यों गया भाई? हम लोग गरीब थे, हम लोग के पास कोई नहीं था, सहारा नहीं था, इसलिए हम लोग का सुना ही नहीं हुआ। मेरे घर को पानी नहीं है तो मैं घर पट्टी आज तक मेरे घर पे पहुँची नहीं है। क्यों, मैं कहाँ से भरूँ घर पट्टी? मैं बेवा औरत हूँ, मेरे पास किसी का सहारा नहीं। हम वोटर हैं तो हमारी हर सुनवाई है, यहाँ के नगर सेवक भी हमारी सुनवाई करेंगे। हम वोटर नहीं है तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। एक साल के अंदर हमारे एरिया में आज तक आके कभी उन्होंने नहीं देखा कि कहाँ किसको परेशानी है। वोट मांगने के टाइम पे वो बराबर आएंगे, उनको वोट चाहिए। अगर हमारी परेशानियों को नहीं समझेंगे तो हम वोट नहीं करेंगे। वोटर है, पानी है, लाइट है, हर चीज की लाइट भी काट दिया जाता है। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। दिखावे पर दिखावा। महानगर पालिका अंतर्गत भ्रष्टाचार का चरम सीमा पर है, लेकिन महानगर पालिका सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही है। हम इस समय नाला सुपारा पूर्व के धानेबाग इलाके में मौजूद हैं। आप मेरे बगल में देख पाएंगे कि यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ मौजूद है। इनकी मांग ये है कि इनके पास जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, महानगर पालिका ने इन्हें उससे वंचित रखा है। इन्होंने हर चीज का टैक्स दिया, पानी का टैक्स दिया, यहाँ तक कि बिजली ली उस पर भी टैक्स दिया, फलाने ढिमाके हर चीज का टैक्स दिया, लेकिन इनको क्या बदले में मूलभूत सुविधाओं के आधार पर सही रोड मिला? जवाब है नहीं। इन्हें पानी मिला? जवाब है नहीं। और इन्हीं सभी के चलते अब ये लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं और यहाँ पर इकट्ठा होकर कल्याणी पाटिल के नेतृत्व में ये मांग कर रहे हैं कि महानगर पालिका जो है इन्हें मूलभूत सुविधाएं दिलाए। मैडम, क्या नाम है आपका, और जिस तरीके से यहाँ पर आप मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं उस बारे में आप महानगर पालिका से क्या मांग करना चाहते हैं? बस यही मांग करना चाहते हैं कि देखो, लाइट बिल भी हम लोग समय पे भरते हैं, नहीं भरते हैं तो हमारा बिजली मीटर काट के ले जाते हैं। घर पट्टी का भी पैसा बढ़ गया, तभी भी हम सबर खा के वो पैसा भर रहा है। और उसके बाद में हमारी गली नाले गटर ऐसे हैं कि हम बारिश में इतने इतने पानी में घुटने घुटने निकलना पड़ता है। अब के साल तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे घरों में पानी आ जाएगा। वहाँ टैक्स भरने के बाद भी इनको सही से रोड नहीं मिल रहा है। यहाँ पर नालों की हालत ऐसी है कि ये लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से बारिश में ये लोग घुटने घुटने तक पानी में चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इन्होंने हर बात का टैक्स दिया, लेकिन महानगर पालिका द्वारा यहाँ पर अनाधिकृत बांध काम करने के लिए परमिशन तो दे दी, लेकिन यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो नहीं दी गई। सर, आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपको भी तो समस्या होगी तभी आप यहाँ पर आए हैं, विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, तो आपकी क्या मांगे हैं? जी मैडम, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा माननीय कल्याणी मैडम का, जो आज हमारे परेशानियों को और हमारे समस्या को समझ के हमारे बीच में उपस्थित हुई है। आज हम 15 साल से यहाँ रह रहे हैं और गवर्नमेंट की जो भी प्रक्रिया है हम अपने ढंग से उसको पूरा कर रहे हैं, फिर भी हमारे घर में ना तो पानी पहुँचाया जाता है, ना हमको पीने को पानी मिलता है, ना रोड पे जाने के लिए रास्ता मिलता है। बारिश में हम कमर बराबर पानी में आते हैं। पर महानगर पालिका तो ये बोलते है कि उन्होंने विकास कार्य किया, उस पर आप क्या कहेंगे? महानगर पालिका की ये दिखाए हमें क्या किया विकास, हमारे घर में बच्चे आज देखो जाए तो इतने इतने पानी में गली से बाहर निकलते हैं। तो आप इसकी शिकायत जो है वो महानगर पालिका के कर्मचारी नहीं है, क्योंकि हम वोटर नहीं है यहाँ के। अच्छा, आपकी सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं है। हम वोटर हैं तो हमारी हर सुनवाई है, यहाँ के नगर सेवक भी हमारी सुनवाई करेंगे। हम वोटर नहीं है तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। क्या कहती है महानगरपालिका? महानगरपालिका खाली हम लोग जाते हैं वहाँ कंप्लेन करते हैं, उस पर अमल भी नहीं करती है, उसके बाद भी दूर हट जाती है। आज तक कभी नगरपालिका या हमारे यहाँ के नगर सेवक हमारे एरिया में आके नहीं देखे। कौन है यहाँ के नगर सेवक? माननीय पंकज पाटिल जी। तो उन्होंने आके यहाँ पर विकास कार्य नहीं किए? 5 साल के अंदर हमारे एरिया में आज तक आके कभी उन्होंने नहीं देखा कि कहाँ किसको परेशानी है। वोट मांगने के टाइम पे वो बराबर आएंगे, उनको वोट चाहिए। अगर हमारी परेशानियों को नहीं समझेंगे तो हम वोट नहीं करेंगे। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जब चुनाव आता है तब यहाँ के जो नगर सेवक हैं वो घर घर जाते हैं, लेकिन बात जब घर घर सुविधाएं पहुँचाने की आती है तो यहाँ के नगर सेवक जो हैं वो चुप्पी साधे बैठ जाते हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो मांगों को है नजरअंदाज करते हैं। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपको भी मूलभूत सुविधाओं से दिक्कत हो रही है और आपको नहीं मिल रहा है? हम लोग गरीब इंसान हैं ना, इसके लिए कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। अच्छा। गटर है, पानी है, लाइट है, हर चीज़ की लाइट भी काट दिया जाता है। एक तो डिब्बा नहीं रखा गया है कचरे का, हाँ वहाँ कचरे हम लोग फेंके। कचरे के डिब्बे के लिए जानकारी के लिए आपको बता दें कि कचरे के डिब्बे के लिए भी यहाँ पर बजट पास हुआ है और महानगर पालिका ने ये दावा किया है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में जो कचरे के डिब्बे हैं वो मौजूद हैं, लेकिन आप जैसे कि सुन सकते हैं कि यहाँ पर इनको कचरे के डिब्बे तक नहीं मिले हैं। जो महानगर पालिका है वो किस तरीके से भ्रष्टाचारिता में लिप्त है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपको दिक्कत घर में नल है, 2 साल मेरे नल को हो गया, आज तक पानी नसीब नहीं हुआ। मैंने खुद के खोद के पूरा वहाँ से नल वहाँ तक लेके गई। पाइप अगर तुमने बिछाए थे, पाइप उठा दिया गया, क्यों गया भाई? हम लोग गरीब थे, हम लोग के पास कोई नहीं था, सहारा नहीं था, इसलिए हम लोग का सुना ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? मैं अकेली ने अपना खोद के नल यहाँ से वहाँ तक लेके गया, मेरे घर को पानी नहीं है तो मैं घर पट्टी आज तक मेरे घर पे पहुँच
सोची नहीं है। क्यों मैं कहाँ से भरूं घर पट्टी? मैं बेवा औरत हूँ, मेरे पास किसी का सहारा नहीं है। मैं अकेली मेहनत करती, मेरे चार बच्चे खाने वाले हैं। ये बताओ तुम, घर पट्टी मेरे घर तक नहीं पहुँच रही, हमारे लाइट बिल हमारे घर तक नहीं पहुँचते, हमको निकाल के हर रूम हर महीने में 10 रुपए डालना पड़ता, क्यों डालो? पेट पालो कि हम तुम लोग का टैक्स भरो। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब ये लोग टैक्स भरते हैं तो पैसा जाता कहाँ है? इलेक्शन में, करप्शन में, यहाँ के चुनावों में प्रचार प्रसार करने में, दीवारों पर सौंदर्यकरण के नाम पर दिखावा करने में, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि महानगर पालिका और उनके जो नगर सेवक हैं, या यूँ कह लें कि साथ ही साथ जो उनके कर्मचारी हैं, वह सब लोग भ्रष्टाचारिता में लिप्त हो गए हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ मोटी उगाही से मतलब है। वह लोग यहाँ के जो लोग हैं उनकी सुविधाओं के बारे में जरा भी ध्यान नहीं दे रहे। हमारे साथ कल्याणी पाटिल भी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और आखिर जानेंगे कि आखिर उन्होंने जो विरोध प्रदर्शन करते हुए लोगों को जागरूक किया है उसके पीछे इनका क्या कहना है। चीज ऐसी है कि उनको तकलीफ हुई है इसलिए वो जागरूक हुए है। मैंने जागरूक नहीं किया है, उनको तकलीफ हुई है, उनकी बात रखने के लिए वो यहाँ तक आए। तो अभी जिस तरीके से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी मांगों को अगर नजरअंदाज किया गया या महानगर पालिका नहीं सुनी तो आपका अगला कदम क्या होगा? महानगर पालिका को ये टाइम सुनना पड़ेगा। 15 साल हुए महानगर पालिका को स्थापित हुए, जो 15 साल में मेरे लोगों का टैक्स का पैसा कहा जाता है वो उनका हिसाब दे। दूसरी बात ये है कि अगर आज वो लिखित में हमको देते नहीं है कि हमारा 2 दिन 4 दिन या 20 दिन कब हमारा काम शुरू करते, उसके बाद फिर हमारा अगला कदम क्या होगा? हम लिखित में उन तक पहुँचाएंगे कि हमको जो हमारे काम चाहिए हम किस तरह से मांग करते हैं। अच्छा, तो मतलब कुल मिलाकर जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी आप यहाँ से नहीं जाने? नहीं जाने वाली हूँ, यहाँ से नहीं जाने। मुझे लिखित में जब तक आश्वासित नहीं करेंगे कि बाबा ये काम 2, 4 दिन, 8 दिन में मेरा डेवलपमेंट, मेरा जो चीज़ मिसिंग है, जो मुझे ढूंढ के नहीं ला के देते, मेरा डेवलपमेंट मिसिंग है वो ढूंढ के नहीं ला के देते, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से कल्याणी पाटिल द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि जब तक इनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा और वसई विरार शहर महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं यहाँ पर आकर लिखित में ये नहीं देंगे कि आगे चल के यहाँ पर भविष्य में डेवलपमेंट होगा और कब होगा, जब तक इस बात का लिखित सबूत इनको नहीं मिलेगा कि यहाँ से नहीं हिलेंगे। अब देखना यही होगा कि इतने बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद, इतने बड़े आक्रोश के बाद, क्या महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी जो कि सो चुके हैं वे जागते हैं या नहीं, या फिर से ये जो पूरा मामला है ठंडे बस्ते में चला जाता है और महानगर पालिका यूं ही भ्रष्टाचारिता में लिप्त रहती है। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में, तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।